भोपाल से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित युवती ने बताया कि उसको हिंदू नाम बताकर शफीक खान युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया और फिर उससे शादी की। शादी के बाद उससे वह मारपीट करने लगा और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। उधर संस्कृत बचाओ मंच ने इसका जोरदार विरोध करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मामला चाहे सतना में सिकंदर खान का हो या भोपाल में शफीक खान का, आए दिन हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर उनके साथ मारपीट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उन्होंने कहा, संस्कृत बचाओ मंच हमेशा इस बात का विरोध करता आया है। भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद के मामले में लड़की ने शिकायत की है। लड़की ने बताया कि 2012 में शफीक खान ने अपना नाम सूरज बताकर मुझे प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी कर मेरे साथ मारपीट करने लगा। लड़की ने आरोप लगाया कि उसको मारने की कोशिश की गई और अभी भी उसको तेजाब से जलाने की धमकी दी जा रही है। उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसको नमाज पढ़वाया जाता था और लड़की को उसके घर वालों से भी बात नहीं करने दी जाती थी। मतलब लेके चला गया अपनी माँ के घर, मेरी मम्मी काम करने जाती थी, मतलब चार एक दो महीने उसने मुझे परेशान किया। मैंने कहा मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, तो भी वो परेशान करते रहा मुझे, और फिर कहा कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा भेला फुसला कर इसे बातचीत करने लगा, क्या पता क्या खिला पिला कर वो मुझे लेके चला गया। मेरी मम्मी काम करने जाती थी, मेरा एक भाई है, मेरी मम्मी काम करने जाती थी तो वो मुझे है ना लेके चला गया। उसकी माँ के यहाँ बाणगंगा पे रहते हैं उसके घर वाले, वहाँ लेके चला गया और वहाँ ले जाके दूसरे दिन ही 10 रुपये की नोटरी पर कोर्ट मैरिज करवा दी उनने। जब मुझे पता चला कि उसका नाम सूरज नहीं, सूरज विश्वकर्मा नहीं, शफीक खान नाम है, तो मैंने कहा कि मुझे तो उससे शादी नहीं करनी है, तो उसने ज़बरदस्ती मुझे नोटरी पे शादी करा के भुसावल लेके चला गया। ले जाने के बाद पता चला आपको कि उसका नाम सूरज नहीं शफीक है? जब नोटरी पे शादी कराई उसने, मैं उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती भुसावल लेके चला गया। ले जाने के बाद वहाँ पर मुझे एक महीना ही उसने अच्छा रखा, फिर आए दिन मुझे दारू पी के लड़ाई झगड़े करने लगा, मारपीट करने लगा। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं अपनी मम्मी से संपर्क करूँ, अपने घर वालों से संपर्क करूँ। कितने साल थी आप उसके साथ? भुसावल 5 साल रही मैं उसके साथ। बच्चे नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती उसने बच्चे करवाए। वहाँ आए दिन मुझे परेशान करने लगा। ऐसे करते करते 5 साल हो गए। 5 साल के बाद मेरी मम्मी से मेरा संपर्क हुआ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू भोपाल आके रहे, तो वो तब भी मना करने लगी, हम भोपाल नहीं जाएंगे, मगर फिर भी वो, तो मेरी मम्मी ने कहा कि हम तेरा साथ देंगे, तू भोपाल चल, यहाँ रहेगी तो वो तुझे आए दिन मारपीट करता रहेगा। तो फिर मम्मी के कहने पे हम भोपाल आ गए। देखिए, जिस प्रकार से दिनों दिन हमारे प्रदेश में और हमारे देश में लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ती आ रही, उसमें संस्कृति बचाओ मंच इसका हमेशा विरोध करता रहा है और शासन से कार्रवाई की मांग करते रहा है। लेकिन लचीलापन होकर और कहीं ना कहीं जो अपराधी छूट जाते हैं, चाहे वो अभी सतना में यौन उत्पीड़न का नाबालिग के साथ मामला हुआ, वो भी एक लव जिहाद का मामला था। आप इंदौर में जिम ट्रेनर का जो मामला था, जिसमें कि हत्या कर दी गई गुटखा व्यापारी की पत्नी का, वो भी लव जिहाद का मामला था। कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक विशेष संप्रदाय द्वारा ये इस प्रकार का विद्वेष फैलाया जा रहा है। आज ये बच्ची हमारे पास आई और हरिओम ठाकुर जी के माध्यम से संस्कृति बचाओ मंच से इन्होंने संपर्क किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।